आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। दशहरा नागर समाज द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई, जगह जगह स्टॉल के माध्यम से किया गया स्वागत। सेगांव दशहरा नागर समाज द्वारा समाज के इष्ट देवता भगवान हाटकेश्वर मंदिर ऊन तक भव्य पैदल यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा में समाज के प्रांतीय अध्यक्ष हुकुम चंद्र गुप्ता, सेगांव समाज अध्यक्ष भगवान गुप्ता, रविदास गुप्ता की उपस्थिति में रविवार सुबह 10 बजे प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई मंदिर से शुरू हुई यात्रा नगर के मुख्य मार्ग से होती हुई निकली, जहां समाज के महिला पुरुषों ने भगवान हाटकेश्वर के जय घोष के साथ पैदल यात्रा में हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर हाटकेश्वर भगवान की चलित सुसज्जित झांकी, ध्वजा, पताका के साथ जगह जगह नगरवासियों द्वारा स्टॉल के माध्यम से पदयात्रा का स्वागत किया गया। भव्य यात्रा में ठीकरी, जलवानिया, तलखपुर सहित आसपास के स्वजाति बंधुओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के अति प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर ऊन पहुंचने के बाद मंदिर दर्शन महाआरती के पश्चात खरगोन व ऊन दशहरा समाज के साथ सम्मिलित विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, नवयुवक प्रदेश उपाध्यक्ष अंतिम गुप्ता, अध्यक्ष राहुल गुप्ता, महिला मंडल अध्यक्ष रूपाली कुंदन गुप्ता, लोकेंद्र गुप्ता, रवि महाजन, बंटू गुप्ता, संजीव गुप्ता सहित समाज की महिला पुरुष ग्रामवासी उपस्थित रहे। सेगांव से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। नागर समाज का ये भव्य जुलूस निकल रहा है, किस उपलक्ष्य में निकल रहा है? भगवान हाटकेश्वर मंदिर ऊन में प्रतिवर्ष सावन माह में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें खरगोन से हमारे समाज बंधु, सेगांव से और अन्य कई स्थानों से समाज बंधु एक यात्रा के रूप में निकलकर भगवान हाटकेश्वर का कार्यक्रम भव्य रूप से करते हैं। यात्राएँ हमेशा जागरण और एकता का कार्य किया है। इतिहास है कि जब जब यात्राएं निकली है तो समाज जागृत हुआ है, और आज ये यात्रा भी न केवल राष्ट्र के विकास में, दशहरा समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में बहुत बड़ी सहयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।